है आपका मेरी नई वीडियो में। आज का वीडियो है पनीर चिल्ली की रेसिपी के ऊपर। आप में से बहुत जनों के कमेंट आए थे कि आप रेसिपी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं पहले रेसिपी शेयर करती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक स्पेशली पनीर चिल्ली की रेसिपी ही आपके साथ शेयर की जाए। तो आज हम बनाएंगे पनीर चिल्ली। तो यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्ची दोनों कट करके मैंने रख दी है, जो पनीर चिल्ली में चाहिए पड़ती है वैसी। तो अब पनीर चिल्ली के लिए हम पनीर को अच्छे से कोट कर देते हैं कॉर्नफ्लोर से। उसकी मैंने तैयारी नहीं की है, तो अब तैयारियाँ करते हैं। क्यूब्स की साइज थोड़ी सी बड़ी है तो छोटी कर देती हूँ। ये मेरे हिसाब से बराबर है। सही लगे। क्यूब्स अच्छे से प्रॉपर शेप में कटे हुए हैं, तो उनको अपन छेड़छाड़ नहीं करता है। पनीर के अंदर जाने वाला है कॉर्नफ्लोर के अंदर, जितना ज़रूरत पड़े मैं उतना ले लेती हूँ, क्योंकि सब स्टैंड पर साथ साथ में सफाई भी रखती रहूँगी तो बहुत सारा बिखेरा हो जाएगा। अनुसार अंदर मैं नमक डाल दिया है। अब जितना मुझे तीखा चाहिए उतनी मैं लाल मिर्ची डाल रही हूँ, हल्की सी मिर्ची, मैं कश्मीरी मिर्ची भी डालूंगी क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा आता है। रेड रेड पनीर चिल्ली खाने का मज़ा कुछ और है। ये कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी मिला के इस पूरे पनीर को अच्छे से कोट कर दूंगी और फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। अंदर मैंने नमक और मिर्ची स्वाद अनुसार डाल दी थी, तो अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मैं पानी मिला रही हूँ और जो कॉर्नफ्लोर था वो अच्छे से पनीर के ऊपर कोट हो जाएगा। लो कढ़ाई चढ़ा देते हैं। ये हमारी लोहे की कढ़ाई जिसमें हमेशा तलने के काम हमेशा इसी में होता है। मैं टिश्यू रख रही हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। ऑयल अभी आना बाकी है। पनीर सारे जाले के अंदर लेके फिर डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद को भी बहुत डर लगता है कुछ भी चीज़ फ्राई करने में, क्योंकि मुझे लगता है उछल के आ जाएगी, इसलिए इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता से ही फ्राई करूँगी। इसके अंदर आप एक ऑप्शन और कर सकते हो, जो मैंने सारा एक साथ कॉर्नफ्लोर डाल दिया है ना इसके पतीले के अंदर, वैसे आप नहीं करके थोड़ा सा आप कटोरी में निकाल लो कॉर्नफ्लोर, उसके अंदर नमक मिर्ची डालकर जो क्यूब्स हैं उसको अच्छे से डीप कर करके डायरेक्टली आप फ्राई कर सकते हो। वो ट्रिक ज़्यादा अच्छी है। मैंने एक्चुअली क्या अभी एक साथ सारा डाल दिया तो वो अच्छे से कोट नहीं हो पाया, उसमें आपका पनीर बहुत अच्छे से कोट होगा और दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। और मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है इसके ऊपर कोट, तो मैं थोड़ा सा बैटर वैसे रेडी कर देती हूँ और लाइटली कोट कर करके फ्राई कर दूँगी। मैंने फ्राई करना स्किप कर दिया है, चिकू करेंगे अब फ्राई, क्योंकि चिकू के हाथ से बहुत अच्छे से फ्राई होता है और ऑलमोस्ट हमेशा जब भी मैं पनीर चिल्ली बनाती हूँ तब चिकू ही फ्राई करते हैं। उनके हाथ से क्रंची भी बहुत अच्छा बनता है पनीर। तो अभी चिकू फ्राई कर रहे हैं, आप देख सकते हो अभी जो मैंने तले थे उसमें तो चिकू ने आधे खा लिए हैं क्योंकि अच्छे से कोट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मैंने बैटर रेडी कर दिया है कोट करने का और ये पनीर ऑलरेडी हमारे रेडी हैं, तो अब कोट कर करके चिकू फ्राई करेंगे। वो भी आपको ट्रिक दिखा देते तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ये प्रॉपरली कोट होके कितने अच्छे लग रहे हैं आप देख सकते हो। ये रोमांचक है, ये मेरे तो चिकू टेक्निक तो मेरी ही है यार। मैंने बोला ना ऐसे करो, ये चीज़ गलत है यार। यहाँ पर सारे पनीर हैं वो अच्छे से तल चुके हैं। अब आ जाती है मेन पनीर चिल्ली की बारी। तो अंदर से हमारे सॉसेज निकालते हैं, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, विनेगर एंड टोमेटो केचप। मैंने यहाँ पर दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है और अब इस कढ़ाई के अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। ऑयल है, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड भी किया है तो बहुत ज़्यादा तेल तेल भी नहीं होना चाहिए। बहुत ही कम अमाउंट में ऑयल लेना है जिसके अंदर हमारा लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो अच्छे से फ्राई हो जाए।
बस इतना ही। और यहाँ पर हमने सब्जियाँ तो काट के रखी थी, ये रहा पनीर और ये सारी सॉसेस। तो सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डालना है, ऑयल गरम हो। गैस कम कर देना है, ये सब्जियों को थोड़ा पकाना है। जब तक सब्जियाँ अच्छे से पक रही हैं, थोड़ी सी पकानी है, हमको ज़्यादा नहीं पकानी है, तब तक ये सारे सॉसेस हम मिक्स करके वन टाइम में जो हम बनाने वाले हैं पनीर चिली, उसके अंदर जितने जितने सॉसेस की ज़रूरत है सारी हम इस कटोरी में डाल देते हैं। सबसे पहले मैं टोमेटो केचप ले लेती हूँ। ये रेड चिली सॉस, विनेगर, इसके अंदर अब थोड़ा सा मैं पानी मिक्स कर रही हूँ ताकि ये बैटर और अच्छा लगे। आप इसके अंदर चाहे तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लोर थोड़ा थिकनेस दे देता है हमारी ग्रेवी को, जिससे हमारा पनीर चिली है वो मस्त ग्रेवी ग्रेवी वाला बनता है। यहाँ पर सॉसेज हमारे गरम हो गए, फिर एक एक पनीर का टुकड़ा अलग अलग करके, क्योंकि पहले से चिकन अलग अलग कर दिए तो भी हम कर देते हैं अलग अलग करेगी, अलग अलग ही निकले हैं मेरे, बिखरे हुए ही फ्राई हुए। अच्छा, दो ट्रिप में मुझे बनानी है पनीर चिली, सो आधे पनीर ले लेती हूँ इसके अंदर। इसके अंदर जो भी कमी पेशी होगी वो दूसरे में पूरी हो जाएगी। और पनीर चिली थोड़ी थोड़ी बनाते हैं ना, वही टेस्टी बनती है। साथ साथ में ये भी ध्यान रखें, काम करते करते कितनी बार क्या होता है ना, स्पून गर्म हो जाती है। ये हमारी पनीर चिली रेडी, अच्छे से मस्त पका देते हैं, फिर प्लेटिंग करेंगे इसकी। चिली पनीर, पनीर चिली हमारी रेडी है, आप देख सकते हो। और ये खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है, एकदम लाजवाब। आई होप अच्छी बनी है, चिकन अच्छी लगेगी, हम दोनों ने मिलके जो बनाई है तो अच्छी बननी है। तो आपको अगर ये रेसिपी और ये वीडियो अच्छी लग गई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अगर इस टाइप की आपको और वीडियो देखनी हो तो कमेंट करना, तो मैं बनाऊंगी आगे ये वाली वीडियो, क्योंकि मैं भी फर्स्ट बार ये रेसिपी वाली पूरी वीडियो बना रही हूँ इसलिए। तब तक के लिए।